स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। यूपी में अगले दो दिनों तक इन जिलों में फिर भारी बारिश की संभावना। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों में फिर भारी बारिश की संभावना जताई है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में अचानक मौसम ने पलटी मारी है। यूपी के कई हिस्सों में आज को बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अभी दो दिन और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही वातावरण में ठंड और बढ़ जाने की संभावना है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज को गरज चमक के साथ बारिश तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी तेलंगाना में निम्न दबाव का क्षेत्रफल बनने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। ये बारिश अगले 48 घंटों तक जारी रहेगी। आपको बता दें, अब फिर मौसम विभाग ने ये अलर्ट अगले 24 घंटे तक प्रदेशवासियों को और परेशान करने वाला बताया जा रहा है। IMD के अनुसार बंगाली खाड़ी में कम दबाव का बनने के दौरान यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश होगी। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में देर रात रुक रुक कर बारिश हुई। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से एक और खबर आ रही है कि मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून इस महीने खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार आपको बता दें इस महीने चल रहा है। मानसून की अवधि में आपको बता दें 15 दिन की बढ़त हुई है। मानसून आगे खिसकने से इस बार सर्दी अधिक पड़ेगी, साथ ही रबी की फसल को बुवाई में देरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन बाद बारिश बंद हो जाएगी और ठंड का असर शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि बेमौसम बारिश की क्या है वजह। तो आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाली खाड़ी से दक्षिण पश्चिम पूर्वी हवाओं के कारण पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसके चलते यूपी, उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे इलाकों में हवा का दबाव कमजोर हुआ है। ये दबाव अब उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, ये भी बारिश की एक वजह है। इसे अल नीनो प्रभाव भी कहते हैं। बंगाली खाड़ी से उठी हवाएं उत्तर भारत में दबाव बनाकर बरसात करा रही हैं। चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, इटावा, जालौन, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ 87 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसी बीच आपको बता दें येलो अलर्ट के बारे में। तो आपको बता दें, मौसम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संबल, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर और उसके आसपास के जिलों में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है।